राधे 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 कृष्ण 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 जय लड्डू गोपाल की जय पाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे मकर संक्रांति। 15 जनवरी की मकर संक्रांति है और इस दिन दान पुण्य करने का बहुत ही अधिक फल प्राप्त होता है। और मकर संक्रांति वाले दिन फ्रेंड्स गंगा जल डालकर जल में स्नान करें और जितना अपने सामर्थ्य के अनुसार हो सके दान पुण्य जरूर करें। वस्त्र दान करें, खाने पीने का सामान दान करें, तिल मूंगफली गुड़ इस तरह के सामान का दान भी जरूर करना चाहिए। खाने पीने की चीज़ों का दान जरूर करें और उड़द की दाल की खिचड़ी का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि दान करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। और दान, अपने हाथ से दिया हुआ दान जीवन में बहुत ही फलदायक होता है। हमारे द्वारा किए गए दान पुण्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाते हैं, इनका हमारे जीवन में कभी ना कभी हमें फल जरूर प्राप्त होता है। इसलिए फ्रेंड्स, जैसे मकर संक्रांति है, कुछ पूर्णिमा है, एकादशी है और इस अमावस्या होती है, इन दिनों में दान करने का हमें अधिक फल प्राप्त होता है। और एकादशी की तिथि वाले दिन अगर दान करते हैं तो 4 गुना फल की प्राप्ति होती है, पुण्य प्राप्त होता है। तो आप दान जरूर करें, मकर संक्रांति के दिन दान जरूर करना चाहिए। और फ्रेंड्स, कुछ लोग पुराने कपड़ों का दान कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। नए कपड़ों का दान करना चाहिए, मकर संक्रांति के दिन नए कपड़ों का दान करें, वही दान हमारा लगता है। पुराने कपड़े दान में देते हैं तो वो दान नहीं लगता। इसीलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना बने उतना दान जरूर करें। अपने बड़े बुजुर्ग को कुछ भी कपड़े, चप्पल या कपड़े कुछ भी आप दिलवाइए उन्हें। और अपने बड़ों का मान सम्मान जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े जो घर में होते हैं उनका आशीर्वाद भी हमें फलता फूलता है। इसलिए अपने बड़ों का हमेशा आदर करें, उनका मान सम्मान करें और उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें कुछ भी आप वस्त्र कपड़े चप्पल जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है वो चीज़ ज़रूर मकर संक्रांति के दिन आप दिलवाइए। कहते हैं कि अपने बड़ों को मनाया जाता है मकर संक्रांति के दिन, तो आप अपने बड़े बूढ़े सास ससुर कोई भी आपके घर में है तो उन्हें ज़रूर आप कुछ भी दिलवाइए, कपड़े या उनकी ज़रूरत की चीज़ कुछ भी आप उन्हें दिलवाइए। मकर संक्रांति बहुत ही विशेष दिन होता है। इस दिन आप सुबह जल्दी ब्रह्ममुहूर्त में उठे, स्नान करें, नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें, खिचड़ी बनाइए, खिचड़ी का दान करें। मंदिर में आप पंडित जी को कोई भी वस्त्र दान करें, साड़ी जोड़ा कुछ भी आप अपनी इच्छानुसार दान करें तो हमें बहुत ही अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ये कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें दान करने से हमें बहुत ही अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और हमें पुण्य फल जरूर प्राप्त करना चाहिए जीवन में। और भगवान की सेवा भक्ति भाव से करनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी जिनके घर में हैं उन्हें आप अच्छे से स्नान कराइए, सुंदर सा पीली पोशाक पहनाइए और उड़द की दाल की खिचड़ी का भोग जरूर लगाइए। मकर संक्रांति बहुत ही विशेष पर्व होता है। इस दिन पतंग उड़ाने का भी विशेष महत्व माना जाता है। रंग बिरंगी पतंग आकाश में लोग उड़ाते हैं, उल्लास भरा दिन होता है। और इस दिन का आप अच्छे से इस दिन जितना भी हो सके अपने सामर्थ्य अनुसार दान करें, पूजा पाठ करें, मंत्र जाप करें तो पुण्य फल की प्राप्ति करें। राधे 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 कृष्णा 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 जय लड्डू गोपाल की जय पाल गोपाल की।